पाए गए हैं। ये लोग 6 तारीख को अहमदाबाद से आए थे ट्रेन से, और इनको क्वारंटाइन में रखा गया था, और हम लोग जो रैंडम सैंपलिंग करके भेज रहे थे टेस्ट के लिए, उसमें हम लोगों ने 7 तारीख को कुल लगभग 41 सैंपल भेजा था, उसमें से 31 का रिपोर्ट हम लोगों को प्राप्त हो गया था जो निगेटिव था, 10 जो लंबित था उसमें से 3 अभी पॉजिटिव हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई है। वो हमारे मुसहरी प्रखंड के जो प्रखंड स्तरीय क्वारंटाइन कैंप है उसमें रह रहे हैं वो लोग, और कपड़ा का सिलाई बुनाई का काम करते थे अहमदाबाद में, गुजरात में। तो लोगों का आया है, उम्र उनकी जो है कि 22 वर्ष है, 31 वर्ष है और एक 14 वर्ष है, और ये लोग जो है अभी क्वारंटाइन में है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लोगों को हम लोग जो है आइसोलेट कर रहे हैं, और जो हमारा कोविड केयर सेंटर है उसमें शिफ्ट कर रहे हैं, और उसके बाद SOP के हिसाब से जो आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे उसमें उनके क्लोज कॉन्टैक्ट को ट्रेस करना, उनके ट्रेवल हिस्ट्री को देखना, वो सब हम लोग SOP के हिसाब से कर रहे हैं। सर, जिले में आगे अब किस तरह की सख्ती बरती जाएगी, क्या निर्देश? लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बस सतर्क रहें। पॉजिटिव केस आ गया है, ये स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में हमारे श्रमिक भाई बाहर से आए हैं, तो उसमें से इसीलिए हमने एहतियात के तौर पर हम लोग इसकी सैंपलिंग करा रहे थे और अभी भी कराएंगे, और हम लोगों का प्रयास है कि अगर कुछ लोग संक्रमित हैं तो पहले ही आइडेंटिफाई हो जाएं और उनको हम लोग प्रॉपर केयर करें, उसके बाद बाकी लोग अपना घर जाएं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, बस ये अलर्ट रहें, सब लोग सतर्क रहें, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छे से, बहुत अच्छे ढंग से जो हम लोगों का मानक संचालन प्रक्रिया उसके हिसाब से हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे।